हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू विनायक इंटरमीडिएट कॉलेज क्लास 12th। फ्रेंड्स, माय नेम इज धनंजय तिवारी एंड आई विल बी टीचिंग यू टुडे क्लास 12th फिजिक्स। टुडे इज माय टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अर्थात वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वैद्युत बल रेखा होती क्या है। जैसा कि हम लोग चलिए मानते हैं, अब हमने माना कोई एक प्लस चार्ज है। अगर प्लस चार्ज है तो इसके कारण अपना इसका कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अर्थात जहां तक इसका वैद्युत प्रभाव होगा इसके चारों ओर, जहां तक भी इस आवेश का वैद्युत प्रभाव होगा वही क्षेत्र इसका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब यदि हम इसमें कोई एक चार्ज फ्री करके छोड़ दें, यानी किसी चार्ज को हम इसमें स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देते हैं, तो वह चार्ज अगर माइनस है तो इस प्लस की ओर आएगा, और अगर ये चार्ज हमारा प्लस हो तो ये क्या होगा, प्लस से दूर की ओर जाएगा। इस प्रकार ये भीतर आते समय या बाहर जाते समय जिस पथ का अनुसरण करेगा वही पथ वैद्युत बल रेखा कहलाएगी। अर्थात जब हम किसी धन परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देते हैं तो वह जिस पथ का अनुसरण करता है वही पथ उस वैद्युत क्षेत्र की बल रेखा कहलाती है। अब अगर हम लोग देखें इसको तो ऐसे कहेंगे, जब एक धन परीक्षण आवेश को, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब एक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है तो वह जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ को उस क्षेत्र की बल रेखा कहते हैं। इसको हम दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। अर्थात बच्चों, ये जो वैद्युत बल रेखा होती है वास्तव में कोई रेखा होती नहीं, एक कल्पना मात्र होती है, और इसको वैद्युत बल क्षेत्र रेखा भी कहते हैं। इसका वैद्युत बल क्षेत्र रेखा नाम माइकल फैराडे द्वारा दिया गया था। हम लोग इसके गुणों का अध्ययन करते हैं तो इसके बहुत सारे गुण हैं। इसका इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, अगर हम कोई प्लस चार्ज ले लिए तो प्रयोगों द्वारा देखा गया कि इस आवेश से जितनी बल रेखाएं निकलती हैं वो त्रिज्यता बाहर की ओर निकलती हैं। अर्थात धनावेश, किसी धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर चलती हैं और कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी बिंदु धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्यता बाहर की ओर निकलती हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगर हम लोग इसके प्लस के बदले माइनस चार्ज ले लेते हैं तो पाए क्या कि इसमें वैद्युत बल रेखाएं बाहर से भीतर की ओर त्रिज्यता प्रवेश कर रही थी। ये प्रयोगों द्वारा देखा गया था, माइकल फैराडे ने इसका अध्ययन किया था 19वीं शताब्दी में। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि ऋण आवेश पर, या ऐसे कह सकते हैं माइनस आवेश पर, वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर त्रिज्यता भीतर की ओर प्रवेश करती हैं। ये इसका दूसरा गुण हो गया। तो अब अगर हम बात करते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की, तो हम देखेंगे कि प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस पर भीतर की ओर प्रवेश करती हैं। अर्थात अगर हम एक प्लस चार्ज ले लें, दूसरा माइनस चार्ज ले लें, तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर एक वक्राकार लूप बनाते हुए, सॉरी लूप नहीं बनाती हैं, सिर्फ वक्राकार पथ पर चलती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर एक वक्र पथ बनाते हुए माइनस पर अर्थात ऋणावेश पर प्रवेश करती हैं और समाप्त हो जाती हैं। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। हम लोग बात करते हैं इसके अगले प्रॉपर्टी की। तो अब यहां पर हम इसमें बहुत सारी ऐसे वैद्युत बल रेखाएं दिखा देंगे जो कि आप लोग यहाँ जैसा चित्र में देख रहे हैं, और सबको हम ये प्लस से निकलेंगी और माइनस वाले पर प्रवेश करेंगी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये वैद्युत बल रेखाएं आवेश के निकट पास पास हैं, अर्थात किसी भी आवेश के समीप वैद्युत क्षेत्र सघन होता है, और ये आवेश से दूर जाने पर इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, अर्थात आवेश से दूर जाने पर वैद्युत क्षेत्र
दुर्बल होता है यानी क्षीण होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जहां पर सघन होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल, और जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है या क्षीण होता है। अब इसकी पांचवी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में, ध्यान दीजिएगा लंबाई के लंबवत दिशा में प्रसार की प्रवृत्ति रखती हैं, अर्थात समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। और इसकी छठी प्रवृत्ति अगर हम लोग देखते हैं, छठा गुण देखते हैं, तो ये लंबाई के अनुदिश, जो इसकी लंबाई है लंबाई के अनुदिश, ये संकुचन की प्रवृत्ति रख रही है, देखिए संकुचित हो रही है, अर्थात विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। हम बात करते हैं इसके अगली प्रॉपर्टी की, तो हम देख क्या रहे हैं कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। यदि ये काटती तो क्या होता, तो यदि ऐसे एक दूसरे को मान लो ऐसे काटती तो इनके स्पर्श बिंदु पर हम दो रेखाएं खींच सकते थे, और ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा को प्रदर्शित करती, जो कि असंभव है, क्योंकि किसी भी कण की या किसी भी बिंदु पर एक साथ किसी आवेश की दो दिशाएं नहीं हो सकती, या किसी भी बल की दो दिशाएं नहीं हो सकती, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके आठवीं प्रॉपर्टी की, तो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद पास या लूप नहीं बनाती, कब तक, जब तक कि वैद्युत क्षेत्र प्रेरित ना हो, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं बंद पास अथवा बंद लूप नहीं बनाती हैं, लेकिन यदि हमारा वैद्युत क्षेत्र प्रेरण के कारण उत्पन्न हुआ हो तो ये बंद पास अथवा लूप बना सकती हैं, अर्थात प्लस से निकलकर माइनस पर जाएंगी और माइनस से निकलकर प्लस पर आ सकती हैं, कब, जब वैद्युत क्षेत्र प्रेरित हो सिर्फ और सिर्फ तब, अन्यथा नहीं।